वक्त के बाद कोई ना कोई किसी ना किसी को खो देता है, जैसे दिन के उजाले में चांद अपनी चांदनी। सूरज अपनी रोशनी भी खो देता है रात के साए में। मेरा एक ख्वाब था उसे पाने का, उसमें समा जाने का, पर क्या करूं, वो एक ख्वाब था और अक्सर ख्वाब टूट जाया करते हैं। हर बार सूरज की रोशनी हमें जगाती नहीं, कभी कभी झुलसा भी देती है और किसी की यादें कभी कभी हमें उलझा भी देती है। पर आज भी मैं उसके याद में कहता हूँ, तुम वापस लौट आओ ना, फिर से गले से लगाओ ना। आज फिर से मैंने मन ही मन तुम्हारा मेरे ख्वाबों में नाम पुकारा, तुम्हारे यादों के राग को मैंने मेरे माथे पे सजाया, तुम्हारी खुशबू को मैंने महसूस किया। हाँ मोती गिरे मेरी आँखों से, मेरा फूल सा दिल भी मुरझाया, पर मैं फिर भी तारों सा चमकता रहा, तेरे सपनों के समंदर में मैं खुद की कश्ती को ढूंढता रहा। मेरे ख्वाबों की किताब के पन्नों को भी पलटाने की कोशिश की मैंने, पर तुम्हारे स्नेह के साए से मैं आगे बढ़ ही ना पाया, तेरे अध्याय से भी मैं आगे ना बढ़ पाया। तेरे प्यार में मैं इतना ज़्यादा जल गया हूँ कि शायद मैं खुद के सपनों से, अपने से बहुत दूर जाके जल गया हूँ। अब तो मैं शायद बहुत दूर जाके एकदम पिघल गया हूँ, इसलिए मेरी रूह सिर्फ नाम पुकारे तेरा, मेरे ज़िंदगी में वापस लौट आओ ना, फिर से मेरे ज़िंदगी को अपना सा बनाओ ना। सबका मतलब बहुत बार ब्रेकअप होता है, पर मेरा तो मतलब चालू होने के पहले ही ख़त्म हो गया था। एक्चुअली ये मैं स्कूल में था, ये उस समय की बात है, उसके बाद से कोई मतलब अच्छी लगी ही नहीं। मैं जाते जाते आपको एक चीज़ सुनाना चाहूँगा। अब खैर ये बहुत बचपन की, मतलब मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में था और टीचर के डर के वजह से कभी उसको कुछ बोला ही नहीं। वक्त गुजरता रहा कहानी बनकर, यादें रह जाती है निशानी बनकर, हम चाहे मिले चाहे ना मिले पर हम हमेशा दिल के करीब रहेंगे, कभी बरसात तो कभी उसके अश्क बनकर।